यूपी निकाय चुनाव से जीत से बीजेपी पूरी तरह से गदगद है। बीजेपी की इस जीत में बड़ा हाथ दिल्ली भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का रहा। दरअसल दिल्ली बीजेपी की यूथ ब्रिगेड ने बीजेपी में अब सरकार की जो नीतियां थी उनको जन जन तक पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। यूपी निकाय चुनाव में बीजेपी को मिली भारी जीत में भारतीय जनता युवा मोर्चा की दिल्ली शाखा ने भी अहम भूमिका निभाई। दिल्ली भारतीय जनता युवा मोर्चा के कोषाध्यक्ष का दावा है कि मोदी सरकार की नीतियों को युवाओं के बीच पहुंचाकर उनके संगठन ने अहम योगदान दिया। हम लोगों ने काफी मेहनत करी, हम लोग एक डाउन लेवल तक जाके सब लोगों से परिचय करा, मिले, मुलाकात करी, तो वहाँ पे हमने एक अपना नजरिया दिया, अपनी भाजपा सरकार की पॉलिसीज के बारे में लोगों को अवगत कराया, उसकी वजह से हमारे को काफी अच्छी सपोर्ट मिली। यूपी में जीत से उत्साहित दिल्ली भारतीय युवा मोर्चा अब गुजरात चुनाव में लोगों के बीच जाने की तैयारी में है। हम भी वहाँ पे गुजरात में प्रचार करने जा रहे हैं, अभी वहाँ भी हम लोग एक एक जने से मिलकर आएंगे, नीचे जाके हर लेवल तक बताएंगे कि भाजपा सरकार जो है वो कोई अपने फायदे की सरकार नहीं है, वो देशवासियों के लिए सरकार है, देश को पूरा उन्नति की ओर, प्रगति की ओर ले जाने की सरकार है। जीएसटी नोटबंदी के विरोध के बावजूद बीजेपी के स्थानीय निकाय चुनाव में इस जीत के क्या मायने हैं? केवल अगर आप सोशल मीडिया या रैलीज का सहारा लेते हैं तो इससे कोई गारंटी नहीं होती है कि आप चुनाव जीत जाएंगे। सबसे बड़ा टास्क या चैलेंज जो होता है वो ये होता है कि जो क्राउड आई हुई है उस क्राउड को स्ट्रेटेजिक वे में ऐसा क्या किया जाए कि वो लास्ट वोटिंग डे आपके वोट में जाकर के कन्वर्ट हो जाए। यूपी निकाय चुनाव के नतीजों ने ये तो साबित कर दिया कि मुद्दों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण प्रचार अभियान और राजनीतिक रणनीति। टीम न्यूज़वर्ल्ड इंडिया।